अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड लास्ट टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर का टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आइडिया होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो चलें स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ टर्निंग इफेक्ट इन डेली लाइफ इज़ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द डोर। ठीक है, कहने के सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जाम्पल है टॉर्क की, टॉर्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट की, ठीक है, यानी कि जो हम चीज़ों को टर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल को अगर देखें तो सबसे कॉमन एग्जांपल है कि जब हम दरवाजे को खोल रहे होते हैं या बंद कर रहे होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है कि हम चीज़ों को टर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हेन वी ओपन और क्लोज द डोर वी अप्लाई अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डोर। ठीक है, जब हम दरवाजे को खोल रहे होते हैं या बंद कर रहे होते हैं तो हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं जो डोर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, यानी कि ये आपके डोर का प्लेन है और इस तरह से अगर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो आप इन दोनों के दरमियान आपका एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर 3D डायग्राम तो नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, तो बस इसको इसी तरह से जिस तरह से दिखाया हुआ है हम इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डोर का प्लेन है तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं एक फोर्स जो परपेंडिकुलर है डोर के प्लेन से, और उससे हम डोर को ओपन या क्लोज कर रहे हैं, यानी कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, ये आपका डोर है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड के फोर्स लगाने से खुल रहा है या बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, टर्न हो रहा है इस एक्सिस से। ठीक है, इस एक्सिस से टर्न हो रहा है तो ये कहलाता है टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, और टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। आगे मूव करते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं, इट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन दैट If the force is applied near the hinges, ठीक है, we are likely to face difficulty in opening or closing of the door. Hinges यानी कि जो एक्सेस है, यहाँ पर देखें इसको कहा हुआ है डोर हिंज। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेस है जहाँ पर ये डोर कनेक्ट हुआ है, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम इसके करीब से फोर्स लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले पॉइंट से लगाती हूँ F1, ठीक है, अगर मैं जहाँ से डोर टर्न हो रहा है अगर मैं उसके बहुत करीब से फोर्स लगा दूँगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको खुलिया बंद करने में। वही अगर मैं इस जगह से काफ़ी दूरी से अगर मैं इस जगह से इस पॉइंट से अगर मैं फ़ोर्स लगाऊंगी, जैसे कि ये वाली जो फोर्स है, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, मुझे उतनी ही आसानी होगी दरवाजे को खुलिया बंद करने से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, वो क्या होगी, देखें आगे हमसे कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेस। ठीक है भाई, पहले तो हमसे ये कहा कि अगर हम हिंजेस के करीब से फोर्स लगाएंगे तो हमें दुश्वारी होगी, हमें मुश्किल होगी दरवाजे को खोलने या बंद करने में, लेकिन अगर हम हिंजेस से यानी कि एक्सिस से जहाँ से वो रोटेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा फासले से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि हम जो है कम फोर्स लगाकर भी आसानी से उसे खुल या बंद कर पाएंगे। ठीक है, दिस एग्जाम्पल क्लियरली इंडिकेट्स दैट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली द अप्लाइड फोर्स बट ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें क्लियरली बताती है, क्लियरली शो करती है टर्निंग इफेक्ट एक फोर्स के, टर्निंग इफेक्ट हमें क्लियरली इंडिकेट करती है, टर्निंग इफेक्ट को शो करती है, टर्निंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है कि टर्निंग इफेक्ट ना सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो आपका टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, वो ना सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ फोर्स लगाकर आप कहो कि बस इसी फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ या खोल रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये फोर्स के साथ साथ एक और फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर क्या है कि भाई कितना डिस्टेंस है आपका। ठीक है, डिस्टेंस किन दो चीज़ों के दरमियान, डिस्टेंस है किस चीज़ के दरमियान कि आप किस पॉइंट से फोर्स लगा रहे हो, और एक इस चीज़ के दरमियान के जो आप फोर्स लगा रहे हो वो चीज़ किस पॉइंट से मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ से ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ से रोटेट कर रही है, ये है इसका हिंज जहाँ से इसने मूव होना है, ठीक है, इस डोर ने, और आप फोर्स अगर इस पॉइंट से लगा रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान का ये जो आपके पास डिस्टेंस होगा इसके ऊपर भी आपका टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ना सिर्फ अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है बल्कि उस डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि ये है आपका इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये है आपका इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि एक्जैक्टली किस पॉइंट से आप फोर्स लगा रहे हो, और द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन डोर हिंज जहाँ पर फोर्स लगाने से जिस पॉइंट से आपकी असल में रोटेशन हो रही है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के पर डिपेंड करती है टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं, सिमिलरली द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार इज अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसी तरह से हम लोग से कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कार है, कार की स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, यहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, हम इससे कार चलाते हैं, ठीक है, कार को मूव करते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये भी एक दूसरी एग्जाम्पल है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की। इन दिस केस द टर्निंग इफेक्ट इन द कार स्टीयरिंग कैन बी ऑब्जर्व इन टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एक्टिंग ऑन इट। कह रहे हैं कि इसमें हम टर्निंग इफेक्ट और ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं कब, अब एक नेक्स्ट लेवल की हम बात करेंगे, ठीक है, कब,
जब कार के स्टेयरिंग के ऊपर दो फोर्सेस लगाई जा रही हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक फोर्स लगाई जा रही है मेरे पास, ठीक है, एक फोर्स है ये। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कार को इस तरफ घुमाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगी और इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाऊंगी, ठीक है। एरो भी बना हुआ है, ये वाली फोर्स लगाकर मैंने अपनी कार को, अपने व्हील को, अपने स्टेयरिंग को इस तरफ मूव करवाया, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं फोर्स इस तरफ लगाऊंगी, ठीक है, तो ये इधर ही मूव करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ फोर्स लगाऊं, ठीक है, बुक में दूसरी वाली बनी हुई नहीं है, अगर मैं इसको उस तरफ फोर्स लगाऊं और इसको इस डायरेक्शन में लगाऊं, तो क्या हो जाएगी, तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी फोर्स, ठीक है। अच्छा, कहने लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि मैं ये वाली जो फोर्स लगा रही हूँ और मैं ये वाली फोर्स लगाने से ये इधर मूव कर रहा है, और अगर मैं ये वाली फोर्स लगाऊंगी तो ये उधर मूव कर जाएगा। कहने कि अगर ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की हो, यानी कि ये भी 5 न्यूटन की हो, ये भी 5 न्यूटन की हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो लेकिन दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट हों, जैसे एक इधर मूव करवाना और एक उधर मूव करवाना, ठीक है, दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट हो, तो ऐसी सूरत हाल में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकती हूँ इसका टर्निंग इफेक्ट किस तरह से। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ कपल, ठीक है, ये चीज़ कपल भी कहलाती है। कपल क्या है, कपल का मतलब है कि हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों के डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये एग्जाम्पल हमें देखनी पड़ती है कार के स्टेयरिंग व्हील में, ठीक है। आगे मूव करते हैं, कपल हैज़ अ टर्निंग इफेक्ट, कपल में टर्निंग इफेक्ट होता है, बट डजेंट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट नहीं करवाती है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करवाती। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है ना, ठीक है, वो एक्सेलरेशन होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में 2nd चैप्टर में, ठीक है। फॉर अ कपल द टू फोर्सेस मस्ट बी सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी, कह रहे हैं कि कपल के लिए दो फोर्सेस के दरमियान लाजमी एक डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, लाजमन, ठीक है। कपल के लिए अगर आप कपल ले रहे हो, आप दो ऐसे फोर्सेस ले रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, अगर आप दो ऐसे फोर्सेस का पेयर ले रहे हो, कपल ले रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों फोर्सेस के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस मौजूद हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, जो भी फोर्स लगाई जा रही है एक बॉडी के ऊपर, अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद है, जैसे कि हम लोगों ने डोर में देखा, तो डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद था, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ठीक है, तो डोर ने मूव कर लिया, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन मौजूद होगा तो एक बॉडी फोर्स लगाने से क्या होगी, हमेशा रोटेट करेगी अपने एक्सेस पर, ठीक है, ये इसका एक्सेस है, इस एक्सेस पर ये मूव करेगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से व्हील, स्टेयरिंग व्हील भी मूव करेगा, ठीक है। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ये जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का एक्जैक्टली ये कहलाता है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब ये मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या है, इसको अभी जहन में अच्छे तरीके से जहनशीन कर ले, क्योंकि आगे ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन होगी, ठीक है। चलें आगे, हमसे कहते हैं इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, टॉर्क किसके इक्वल है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ अ फोर्स, याद रखना, बार बार मैं इस चीज़ पर जोर दे रही हूँ कि याद रखना, टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे हमने चीज़ों को मोमेंट टर्म वगैरह में इसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है, टॉर्क मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहला रही है, ठीक है, इस चीज़ को अगेन कह रही हूँ, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स या टॉर्क किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, टॉर्क में हम लोग क्या करते हैं, जो फोर्स हम लोगों ने लगाई है उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने ये, जब हम लोगों ने पीछे स्केलर वेक्टर पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने ये एग्जांपल पढ़ी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स का हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी कि अप्लाइड फोर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किस चीज़ के साथ, मोमेंट आर्म के साथ। मोमेंट आर्म क्या है, जो डिस्टेंस है वही एग्जैक्टली मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो मोमेंट आर्म और मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। मोमेंट आर्म क्या है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास डी, ये डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के दरमियान, ये है मोमेंट आर्म, ठीक है। मोमेंट आर्म क्या है, मोमेंट आर्म जैसे ये डी, ये फोर्स यहाँ पे लगाई, रोटेट यहाँ से कर रहा है, तो ये है डी, ये है मोमेंट आर्म, ये है डी, ये है मोमेंट आर्म, ठीक है, मोमेंट आर्म्स हैं। तो मैं कितनी फोर्स लगा रही हूँ और कितना मोमेंट आर्म है, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करवा दूंगी तो मेरे पास मोमेंट ऑफ अ फोर्स या टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। आगे मूव करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क को इस तरह के हम लोग टी से शो करते हैं, ठीक है, ये कभी भी आप स्ट्रेट टी नहीं लिखोगे, इसी शेप का टी लिखोगे, ठीक है। और फोर्स और मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म को हम डी से शो करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जितना फासला है, आप जिस पॉइंट से फोर्स लगा रहे हो और जिस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, दोनों के दरमियान जितना फासला है उसको हम शो करेंगे डी से, ठीक है। आगे हम लोग ये वाले डायग्राम को भी जल्दी से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स यहाँ पर लगाई, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर्स यहाँ से लगाई और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा मोमेंट आर्म। इस फोर्स और इस डिस्टेंस को, यानी कि मोमेंट आर्म को, जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और वो कहलाएगा मेरे पास क्या, टॉर्क कहलाएगा या फिर मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहलाएगा। आगे मूव करते हैं, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म।
अच्छा ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं ना, ठीक है इसको रिप्रेजेंट हम इससे करते हैं, ठीक है। डी क्या है यहाँ पर, मोमेंट आर्म है। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। मोमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ना सिर्फ डिस्टेंस बल्कि क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये डोर था, ठीक है, तो आपके डोर में जो एक्सेस ऑफ रोटेशन था इसके दरमियान और जहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो उसके दरमियान, दोनों के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं याद दिलाऊं तो ये वाली चीज़ 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर वाली बात ऊपर भी हमारे पास आई थी, मुझे एग्जैक्ट अगर वो लाइन मिल जाए तो मैं आपको बताऊँ, ये देखें, वी अप्लाई अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डोर, ठीक है, हमने बात ऊपर भी की थी, ठीक है। ये अगर है एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये अगर है आपके पास फोर्स, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो मोमेंट आर्म होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है। चलें, मोमेंट आर्म इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। कंसिडरिंग, आगे हमसे कह रहे हैं कि कंसिडर करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ अभी ये देखिए 90 डिग्री बना रहे, ठीक है। आगे हमसे कह रहे हैं कंसिडरिंग अ रेंच, ठीक है, हम लोगों ने एक रेंच कंसिडर किया, ठीक है, ये एक पाना जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, जिसे हम लड़कों को इसका ज़्यादा पता होगा, जैसे हम लोग मतलब अपने गाड़ियों वगैरह के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग अ रेंच विच इज़ पिवोटेड अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, पिवोट हुआ है अपने एक्सिस पर, यानी कि ये जो है एक एक्सिस से मूव करता है, इसका एक एक्सिस है फिक्स, ठीक है, जहाँ से इसने मूव करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, आई थिंक सो यहाँ पर है ना इसका एक्सेस कुछ, ठीक है। आगे हमसे देखते हैं, हाँ ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं एक्सेस इसका क्या है, ओ है, ठीक है, ये है इसका एक्सेस ओ, यहीं पर ही है, ठीक है। बाय अप्लाइंग फोर्स एट एन एंगल थीटा, ठीक है भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ से हम इसको पकड़ के फोर्स अप्लाई करते हैं और ये यहाँ से चीज़ को मूव करता है आपकी, ठीक है। तो ये है यहाँ से एक्सेस ऑफ इसका रोटेशन है, यहाँ से रोटेट करता है और मैं फोर्स लगा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो ये है इन दोनों के दरमियान का मोमेंट आर्म, ठीक है, डी जितना फासला है, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान क्या होगा, फोर्स और आपके एक्सेस ऑफ रोटेशन के दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल कितना बनेगा आपके पास, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, जिसको मैं किससे शो कर रही हूँ, जिसको मैं थीटा से शो कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा बहरहाल हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करते हैं, इसको और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, जहाँ से मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, ये है इसकी फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो फोर्स देखो, इसको वेक्टर चैप्टर में तो ऑब्वियसली वेक्टर से रिलेटेड तो है ये है फोर्स, ठीक है। अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करूँ, ये हो जाएगा इसका एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा इसका एफ साइन थीटा, ठीक है। इसके दोनों कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेरे पास यहाँ पर आ गए। और दूसरी चीज़ फोर्स लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ से मैं फोर्स लगा रही हूँ, जहाँ से रोटेट कर रहे, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। दूसरा, इन दोनों के दरमियान जो है फासला कितना है लाइन ऑफ एक्शन और इसके दरमियान फासला है मेरे पास मोमेंट आर्म, जो कि है मेरे पास डी, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं क्लियरली देख चुकी हूँ, नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। आगे मुझसे लोग कहते हैं एफ आर इज़ द डिस्टेंस, हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर आर भी मौजूद था, ठीक है। एफ आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पिवोटेड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। आर बिल्कुल सीधा सीधा मौजूद था इस तरह से, यहाँ से मैं फोर्स अप्लाइड कर रही थी और यहाँ से पिवोटेड पॉइंट था, ठीक है, और दरमियान में एग्जैक्टली आर था। बाकी लाइन ऑफ एक्शन मेरी कुछ इस तरह से थी और यहाँ पर जो था 90 डिग्री मौजूद था, इसको इस फासले को मैंने लिया था, लाइन ऑफ एक्शन से लेकर इस फासले तक के मैंने लिया था डी, ये था आर, ये था डी, ठीक है। दो चीज़ें मेरे पास मौजूद थे, कह रहे हैं कि आर जो है, आर वो डिस्टेंस है जो पिवोटेड पॉइंट और पॉइंट ऑफ अप्लाइड फोर्स के दरमियान है। यहाँ से फोर्स अप्लाई की, ये पिवोटेड पॉइंट है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस सिंपल आर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको डी दिया हुआ है, डी ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सबसे पहले डी के लिए तो बन रहा था 90 डिग्री, ठीक है। डी एक ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो पिवोटेड पॉइंट, ये है पिवोटेड पॉइंट, जो पिवोटेड पॉइंट से लेकर आपके पॉइंट ऑफ अप्लाइड फोर्स से नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, क्या फोर्स में अप्लाई तो यहाँ से कर रही हूँ लेकिन लाइन ऑफ एक्शन वो इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन और पिवोटेड पॉइंट के दरमियान जो आपका फासला है, परपेंडिकुलर फासला है, वो कहलाएगा आपका डी, ठीक है। तो देर इज़ अ डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन आर एंड डी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे हमसे लोग कहते हैं कि डी अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो किस तरह आए आपके पास, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। और ये इस तरह से कुछ आपका ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये है आप जहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये है ये वो लाइन ऑफ एक्शन जहाँ से फोर्स लग रही है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। ये आपका पिवोटेड पॉइंट, इन दोनों के दरमियान का फासला आर है, इन दोनों के दरमियान का फासला आपके पास डी है। ये ट्राइंगल एक सिंपल सा आपके पास बन गया ना, ठीक है। अगर मैं बात करूँगी परपेंडिकुलर की, ठीक है, ये बन रहा है मेरे पास 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर की जगह पर मैं लिख दूंगी डी। अगर मैं बात करूँगी हाइपोटेन्यूज की, तो ये हो गई मेरे पास बेस,
ठीक है। और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो सामने वाली साइड होती है हमेशा यही हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हो गया मेरे पास आर, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में मुझे मिल गया मेरा डी और आर, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से मेरे पास आ गया डी अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा। आर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। और डी मैंने क्यों निकाला, क्योंकि डी है मेरे पास मोमेंट आर्म, तो मैं मोमेंट आर्म का फॉर्मूला निकालना चाह रही थी, जो मेरे पास क्या आया, डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला था मेरे पास डी इंटू एफ, ठीक है। ये मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला था, मैं क्या कर रही हूँ, मैं डी इक्वल टू आर साइन थीटा लेकर जाकर इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू डी की जगह मैंने पुट कर दी आर साइन थीटा, और एफ अपनी जगह पर, एज इट इज आ गया, इक्वेशन बन गया आर साइन थीटा एफ, ठीक है। आर साइन थीटा एफ, ठीक है यार, आर और एफ को हम क्या पुट कर देंगे, आर एफ एक साथ कर देंगे और साइन थीटा, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि एक भी साइन थीटा किसके इक्वल होता है, एक क्रॉस बी के, तो आर एफ साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास प्रूफ होता है कि टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा है, ठीक है। ये क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है किन दो चीज़ों का, एक फोर्स का और एक मोमेंट आर्म का, ठीक है। दिस शोज दैट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वैसे भी अगर आप इसको स्केलर वेक्टर से हट कर, अगर इस साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह वगैरह डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा इस सब झमेले से हट कर अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, तब भी देखें वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आप देखें, टॉर्क हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मूव करवा रहे हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, या व्हील इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जैसे आपको कार घुमानी है, ठीक है। तो आपको टॉर्क में, टर्निंग इफेक्ट में डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी हमें कहती है कि टॉर्क में, टर्निंग इफेक्ट में डायरेक्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। आगे देखो, टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव, टॉर्क को नेगेटिव तब लिया जाता है व्हेन बॉडी इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये बात हमें याद रखनी है कि अगर क्लॉक हमारी किस तरह से मूव करती है, इधर 12 बजते हैं ना, 12 के बाद फिर ये 3 बजे, फिर ये 6 बजे, फिर ये 9 बजे, फिर वापस से 12 बजे, ठीक है। तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये है क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, तो अगर टर्निंग इफेक्ट आपका क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा, घड़ी के उल्टा, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखा जाएगा तो टॉर्क हमेशा क्या लिया जाएगा, हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो आपकी अर्थ है वो सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नाउ कंसीडरिंग अ टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स एफ। अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक एग्जांपल, ठीक है, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक टॉर्क कंसीडर किया, ठीक है, जो किसी ना किसी फोर्स अप्लाई करने की वजह से हो रही है, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट पॉइंट पी, ठीक है, एक पॉइंट पी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जा रही है, हुज पोजिशन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू पाइवट ओ इज आर, ठीक है, जिसका पोजिशन वैक्टर क्या है, जिसका पोजिशन वैक्टर है आर, ठीक है। ये कौन से डायग्राम में बताया जा रहा है आपको, अच्छा जी, इस डायग्राम में बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक टॉर्क कंसीडर की जो एक फोर्स अप्लाई करने से प्रोड्यूस हो रही है, ऑब्वियसली टर्निंग इफेक्ट फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो एक बॉडी के ऊपर लग रहा है वो बॉडी पॉइंट पी के ऊपर लग रही है फोर्स, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको बताया हुआ है, आर से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। वेयर पोजीशन एक्टर वेक्टर आर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पाइवट ओ इज आर, ठीक है, पाइवट जो आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो ओ है। एस एफ इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद आर, ठीक है, फोर्स जो लग रही है वो आर के साथ एक एंगल के ऊपर लग रही है, सो वी रिजॉल्व इट इंटू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, तो फिर हम उसको उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे, इट्स ओके। चलो अब डायग्राम को हम जल्दी से देखते हैं, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि ये है एक पॉइंट पी, ठीक है, इस पॉइंट पी के ऊपर एक लग रही है आपके पास फोर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लग रही है आपके पास फोर्स बेसिकली, ठीक है, ये है आपकी फोर्स, ठीक है, ये आपका पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर ये आपकी लग रही है फोर्स, ठीक है, अच्छा जी, आपका फोर्स लग रही है और ये है आपका रोटेशन एक्सिस, ठीक है, ठीक है, और ये फोर्स जो बना रही है वो बना रही है एक एंगल थीटा, ठीक है, और ये है जहाँ से रोटेट कर रही है, जहाँ से फोर्स लग रही है, उन दोनों के दरमियान का मोमेंट आर्म, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इस फोर्स को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया इसके कॉम्पोनेंट्स में, जिस तरह से लास्ट वाले डायग्राम में हम लोगों ने किया था, ये हो जाएगा इसका एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका वाई कॉम्पोनेंट, तो ये आ गया एफ एक्स, ये आ गया एफ वाई वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे हमसे फरमाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, अब हमने उसको उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। द कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग आर इज कॉल्ड रेडियल कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा, ठीक है, जो कॉम्पोनेंट आर के साथ, आर इस तरह से जा रहा था ना, ठीक है, ये आर थी आपकी, तो जो कॉम्पोनेंट आर के साथ आगे जा रहा है वो इसका एक्स कॉम्पोनेंट कहलाएगा, ठीक है, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और देर इज़ नो टॉर्क ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट, ठीक है, इस कॉम्पोनेंट की वजह से तो कोई टॉर्क है ही नहीं ना, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहाँ से फोर्स लगाई जा रही है, आगे ही फोर्स, ये फोर्स है, ये फोर्स का कॉम्पोनेंट एफ एक्स है, यार ये सीधा सीधा जा रहा है,
ठीक है, एक्सिस से जहाँ से इसने रोटेट होना है सीधा सीधा जा रहे हैं, ना इधर मूव करवा पा रहे हैं ना उधर मूव करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो एफ एक्स जो एफ कॉस थीटा है उसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रही है, क्योंकि वो सीधा सीधा है, वो ना नीचे मूव करवा रहे हैं ना इसको ऊपर टर्न करवा रहे हैं ना नीचे टर्न करवा रहे हैं, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रही, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इस कॉम्पोनेंट की वजह से नहीं हो रहा। लेकिन वो कॉम्पोनेंट जो परपेंडिकुलर है आर के, आर इस तरह से है, एफ इस तरह से हमने लगाई, ये तो हो गया एफ एक्स, लेकिन ये है एफ वाई, ठीक है। जो एफ वाई है वो आपके आर के क्या है, ये है आपकी एफ वाई, आपकी एफ वाई आपके आर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये आपके मूव करवा रही है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, टर्न करवा रही है इसको, ठीक है। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है आर से, यानी कि जो 90 डिग्री पर है कॉम्पोनेंट आर से, वो कहलाता है टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट। याद रखना है, रेडियल कॉम्पोनेंट एक्स, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट वाई, एफ साइन थीटा। एक्चुअली जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है वो इस टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर, उस उधर हम लोगों ने जो एफ एक्स था उसको हम लोगों ने लिखा था एफ आर, और जो एफ वाई है उसको हम लोगों ने लिखा है एफ टी, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि टॉर्क जो है वो मेरे पास आर एफ के बराबर है, ठीक है। और जो पूरी की पूरी टॉर्क है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो एफ वाई की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। एफ वाई क्योंकि टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया एफ टी, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ टी, ठीक है। एफ टी किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया, एफ टी की जगह पर मैंने पुट कर दिया एफ साइन थीटा, इस तरह से मेरे पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। जो एफ साइन थीटा है इसको एफ टी में पुट करूंगी तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और आर एफ साइन थीटा किसके इक्वल है, आर क्रॉस एफ के इक्वल है। तो अगेन ये चीज़ प्रूफ होती है कि टॉर्क जो है वेक्टर कॉम्पोनेंट है आर और एफ का, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने इस तरह से भी प्रूफ करने की कोशिश की है साइन थीटा से, ठीक है, और ये चीज़ हम लोगों ने इस तरह से भी प्रूफ करने की कोशिश की है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिजॉल्व द पोजिशन वैक्टर आर इन टू इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, इसी तरह से कहने के जो पोजिशन वैक्टर है आर, ठीक है, उसको भी हम लोग जो है उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में पोजीशन वेक्टर आर, इसको हम लोग इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे हमसे कहते हैं इन दिस केस द टॉर्क इज़ ड्यू टू एफ एंड आर साइन थीटा, दैट इज़, ठीक है। इस तरह से हमसे कहते हैं कि अगर हमने इसको इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक किया है तो हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे पास सूरत हाल क्या हो रही है, ठीक है। ये है एक पॉइंट पी, इसके ऊपर लग रही है फोर्स, ठीक है। फोर्स के कॉम्पोनेंट्स हम लोगों ने अब नहीं बनाए, ठीक है, फोर्स के कॉम्पोनेंट्स नहीं बनाए, ठीक है। ये था हालांकि फोर्स का जो है कौन सा रेडियल कॉम्पोनेंट, और ये था फोर्स का जो है कौन सा टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट, ठीक है, जो 90 डिग्री बना रहा था इधर, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम में हमें इससे मतलब नहीं है, हम फोर्स के कॉम्पोनेंट्स नहीं, हम आर के कॉम्पोनेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये है हमारे पास आर, यहाँ से रोटेशन हो रही है, ठीक है। मैंने इसके कॉम्पोनेंट्स बनाए, ठीक है। इसके कॉम्पोनेंट्स क्या बन जाएंगे, इसका टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट देखो, ठीक है। एक्स एक्सिस वाला तो कॉम्पोनेंट ये यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट जो बनेगा वाई एक्सिस पर, ठीक है। लेकिन ये टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट कौन सा है, ये देखो, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स वो लग रही है ना, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, ठीक है। तो इसके साथ जो परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी कि हमेशा परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट ही आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। इसके साथ जो इस आर का कॉम्पोनेंट बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस आर का कंपोनेंट एक ये है, और नहीं उसको तो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है, वो ये है, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट 90 डिग्री बना रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के, ठीक है। और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यों है, क्योंकि ये फोर्स जा रही है, ठीक है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसे 90 डिग्री बना रहे, तो अगेन फोर्स किसी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, एक तो फोर्स की वजह, अगेन जो टॉर्क है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है जो मैं लगा रही हूँ, और दूसरा आर साइन थीटा की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से भी मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, फिर अगेन ये क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस आर हो जाएगा, क्योंकि अगेन एफ आर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ क्रॉस आर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं, आगे देखें, आ गया मेरे पास टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो मैं तीनों तरह से अपना टॉर्क को प्रूफ कर चुकी हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं टॉर्क, यानी कि मैंने फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, तब भी टेंजेंशियल कंपोनेंट साइन थीटा की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुई जो 90 डिग्री पर था, ठीक है। ये दो तीन बातें याद रखनी है, ठीक है। साइन थीटा के लिए, साइन थीटा की तरफ से अलग से किया, तब भी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और अगर मैंने फोर्स की जगह आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए अपने पोजीशन वेक्टर के, यानी कि अपने मोमेंट आर्म के मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए, तब भी जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था जो साइन
साइन थीटा की तरफ से था जो 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा था, उसी की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। टॉर्क किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। ये आर का भी मैग्नीट्यूड है और ये एफ का भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एक तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरी पोजिशन वैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, पोजिशन वैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और तीसरी एंगल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इन तीन चीज़ों के ऊपर टॉर्क डिपेंड करती है। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आर जो है आपके पास, क्योंकि मोमेंट आर्म क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, मोमेंट आर्म बेसिकली उस डिस्प्लेसमेंट को लिया जा रहा है जो जहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो और जहाँ से रोटेट हो रहे हो उन दोनों के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट हो गया आपके पास न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? बहुत मजे की चीज़ है, डायमेंशन हम लोग निकालना मैं जगह जगह आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स को हम कर देंगे, फोर्स का है ना न्यूटन, फोर्स के फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हो। एम ए से एम का हो जाएगा किलोग्राम अपॉन किलोग्राम, एम ए का फॉर्मूला हो जाएगा, मास का हो जाएगा किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हो, आप न्यूटन से भी निकाल सकते हो कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, के जी मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये आपके पास मीटर, ठीक है, मीटर आपके पास आ गया एज इट इज़, ठीक है। अब क्या होगा, ये मीटर और मीटर क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है फाइनल इसका यूनिट, ठीक है। अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का होता है, तो उसके लिए डायमेंशन आ गई कैपिटल एम। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का होता है, तो उसके लिए डायमेंशन आ गई लेंथ के लिए एल का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में सेकंड है, सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का होता है, तो उसके लिए आ गई कैपिटल टी, टाइम का स्क्वायर, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में था और हम इसको ऊपर लिख रहे हैं इसलिए हमने माइनस ले लिया, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली इस तरह से किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी, किलोग्राम मास का होता है कैपिटल एम, मीटर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी लेंथ का होता है एल स्क्वायर, अपॉन सेकंड के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी टाइम का होता है तो टी स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर मूव करेगा तो इसकी पावर प्लस से माइनस में हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। फाइनल ये हो गई इसकी डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एग्जांपल 2.10 सॉल्व करेंगे।